हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। ये बात आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पॉलिटी की सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके जो पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको लेके कंप्लीट सीरीज चला रखी है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने भाग एक कंप्लीट कर लिया है, दो कर लिया, तीन, चार, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका भाग पाँच है, जिसके अंदर आपका संघ आता है, उसके अंदर भी हम लोगों ने आपका राष्ट्रपति कवर कर लिया है, उपराष्ट्रपति कवर कर लिया है, ये वाली चीजें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है वो आपका महान्यायवादी होता है। तो इसके बारे में इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे जो बहुत ही शानदार तरीके से करवाए गए हैं। तो आप एक बार वो जरूर चेक कीजिएगा। अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ देखिए भाई, महान्यायवादी, ये बात मैं आपको बता चुकी कि ये संघ का ही पार्ट होता है आपका, जो कि भाग पांच के अंदर है। किसके अंदर है? भाग पांच के अंदर। और जो भाग पांच है ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है, आर्टिकल 52 से 151 तक। अब इसमें देखिए भाई, जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी क्या होता है, ये बात मैं आपको बता चुकी कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, ठीक है। सबसे बड़ा कानूनी वकील बोल लो या जज बोल लो, तो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? आपका महान्यायवादी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जब मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने महान्यायवादी के बारे में भी पढ़ा था कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 76A के अंदर। कहाँ पे? आर्टिकल 76A के अंदर। नेक्स्ट है महान्यायवादी, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति जिसको चाहे महान्यायवादी बना सकता है। ये बात है इसके अंदर सिंपल सी, ठीक है। ये बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 76(4) के अंदर। 76(1) में क्या है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और ये बात कहां लिखी गई है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुन सकता है? ये बात लिखी गई है आर्टिकल 76(4) के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने वेतन, जो संसद के बाकी सदस्य होते हैं ना भाई, उसी की तरह, उन्हीं की तरह इसका भी जो विशेष अधिकार होते हैं और जो वेतन होता है वो संसद के बाकी सदस्यों के जैसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद है संसद के दोनों सदनों में शामिल बट वोट नहीं। इसका मतलब क्या होता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं आपके, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, उसके अंदर जो राष्ट्रपति है वो शामिल, सॉरी महान्यायवादी शामिल होगा लेकिन वोट नहीं करेगा, क्लियर। शामिल होगा लेकिन वोट नहीं करेगा, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है, और ये बात कहां पे बोली गई है? आर्टिकल 88 के अंदर। कहां बोली गई है? आर्टिकल 88 के अंदर। नेक्स्ट है भारत गवर्नमेंट को सलाह कानूनी विषयों पर। तो महान्यायवादी का काम क्या होता है? भारत सरकार को सलाह देने का काम कौन करता है? कानूनी विषयों पर, ठीक है। उसके ऊपर सलाह देने का काम कौन करता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का मुख्य विधि अधिकारी परामर्शदाता। वही बात है, बात को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, मुख्य विधि अधिकारी पढ़ चुके हम पहले, कानूनी विधि परामर्शदाता ये यहाँ पे पढ़ चुके, सेम बात है। नेक्स्ट है संसद की एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा राज्यसभा में से एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट यहाँ पे भी नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है संसद को संबोधित करने का काम कौन करेगा? महान्यायवादी। कौन करता है? महान्यायवादी। सदस्य नहीं होता लोकसभा और राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होता, शामिल हो सकता है सदस्य नहीं होता, संसद बैठक में भाग ले सकता है, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि शामिल हो सकता है, भाग ले सकता है लेकिन सदस्य नहीं होता। लेकिन वेतन और जो इसके विशेष अधिकार है वो उनके सदस्यों के जैसे ही होते हैं, क्लियर। अभी बात आती है, ये तो था पॉलिटी का चैप्टर,
अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो वर्तमान में हमारे महान्यायवादी हैं वो कौन है? वर्तमान में हमारे महान्यायवादी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक तो वर्तमान में कौन है ये आप बताएंगे, पहले कौन थे ये भी आप लोग बताएंगे, और वर्तमान में है कौन से नंबर के हैं ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आप लोग लिख देना कि हमारे वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, पहले नंबर के कौन थे, और जो भी वर्तमान में है वो कौन से नंबर के हैं। तो ये आपका महान्यायवादी का था। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की क्लास, छोटी सी क्लास लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास। तो अगर अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे।